Hey guys, how are you? Welcome to my channel. I Devesh Shah present before you Pune Metro Vlog 22. अभी इस व्लॉग में मैं किसी भी जगह को विजिट नहीं करने वाला हूँ. इस व्लॉग में मैं आपको पुणे मेट्रो के बारे में सब बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि कितने स्टेशन है, कितने किलोमीटर्स इंक्लूडेड है फेज़ वन के अंदर, फिर कितने रूट्स है, क्या क्या इश्यूज आए हैं पुणे मेट्रो के सामने, फिर पुणे में मेट्रो की नीड क्यों अराइज हुई, ये सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ. और वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपको थैंक यू बोलना है, बिकॉज मेरा पुणे मेट्रो व्लॉग 20 पार्ट ए जो वीडियो था और संत तुकाराम नगर मेट्रो स्टेशन पर बेस्ड था, उसको लेस देन इन अ मंथ्स टाइम 1080 व्यूज़ मिल चुके हैं, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट. एंड मेरे किसी भी वीडियो को अभी तक इतने सारे व्यूज़ नहीं मिले हैं. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गिव मी एवरी टाइम. एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो के साथ शुरू करते हैं. सो अब हम बात करते हैं कि पुणे में मेट्रो की नीड क्यों अराइज हुई. अभी देखा जाए तो 2000 के बाद पुणे में बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ गया और फिर पुणे में बहुत सारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हुआ. सो ट्रैफिक और भी बढ़ गया और पुणे के जो रोड्स है बहुत ही नैरो है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाते. और जो बस ट्रांसपोर्ट है PMPML वो भी बिगनिंग से ही इनएफिशिएंट थी. उसके लिए मेनी पीपल डू नॉट सपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दे प्रिफर मोर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन. एंड दैट इज़ वाई हम इतने सारे स्कूटर्स देते, इतने सारे बाइक्स देते रोड्स के ऊपर. और अभी 2018 के रिपोर्ट्स के अनुसार पुणे में ह्यूमन पॉपुलेशन से ज़्यादा व्हीकल पॉपुलेशन है, कुछ 3.62 मिलियन व्हीकल पॉपुलेशन है. सो ह्यूमन पॉपुलेशन भी इतना नहीं है पुणे में जितना व्हीकल पॉपुलेशन है. सो इससे पता चलता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना पुअर है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कितना ज़्यादा है पुणे में. सो इसके लिए मेट्रो की ज़रूरत है और मेट्रो 65% सोलर एनर्जी पे चलने वाली है अपनी. सो इट इज़ अ ग्रीन मेट्रो एंड वो पोल्यूशन भी नहीं करेगी. सो इट इज़ वेरी गुड. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टेशन पे होगा, बहुत सारा अच्छा है, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा एंड इट विल सेव टाइम ऑफ द पीपल ऑल्सो. सो इट इज़ एक्चुअली नीडेड इन पुणे. और देखा जाए तो PMPML ने भी कुछ स्टेप्स तो लिए थे ये ट्रैफिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि 2010 में PMPML ने इंडिया का पहला BRT सिस्टम जो शुरू होता था कातरज, फिर स्वारगेट और हड़पसर पे जाके एंड होता था, उसे शुरू किया था. पर दोस्तों ये BRT सर्विस भी पूरी फेल हो चुकी थी, बिकॉज इट वॉज़ अ पायलट BRT सर्विस. एंड फिर 2015 या 16 में रेनबो BRT सर्विस भी शुरू की गई थी, पहले संगमवाड़ी विश्रांतवाड़ी कॉरिडोर, देन नगर रोड, फिर पिंपरी चिंचवाड़ एरियाज में भी. पर ये सर्विस भी पूरी फेल हो चुकी है, बिकॉज बसेस टाइम पर आती नहीं है, आधे आधे घंटे पर एक बस आती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगा है और ट्रैफिक इश्यूज बढ़ गए BRT की वजह से कम होने की जगह पर. सो इट वॉज़ नॉट गुड एंड इट वॉज़ अ कम्प्लीट फेलियर. सो इन सारे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए द गवर्नमेंट एट दैट टाइम प्रपोज पुणे मेट्रो. अभी पुणे मेट्रो का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो DPR है वो DMRC ने बनाया है, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बनाया है, और उसका काम 15 अगस्त 2008 को शुरू किया गया था. अभी पुणे मेट्रो के रूट्स के बारे में कुछ बात करते हैं. अभी देखा जाए तो फेज़ वन के अंदर पुणे मेट्रो के पास 3 लाइन्स है, जैसे कि लाइन वन में PCMC टू स्वारगेट, फिर लाइन टू में वनास टू रामवाड़ी, फिर लाइन थ्री में शिवाजी नगर टू हिंजेवाड़ी. लाइन वन और लाइन टू महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मतलब MMRCL और लाइन थ्री PMRDA पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो दो लाइन्स जाती है महामेट्रो के पास और एक लाइन जाती है PMRDA के पास फेज़ वन के अंदर. तो हम पुणे मेट्रो का फेज़ वन का मैप देख रहे हैं. अभी इस मैप के अनुसार ये जो पर्पल लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन वन है, ये पर्पल और ब्लू लाइन. इसमें स्टेशन देखिए दोस्तों, इसमें पहला स्टेशन आता है PCMC, फिर तुकाराम नगर, फिर भोसरी नाशिक फाटा, उसके बाद वो कासरवाड़ी को जाता है, फिर फुगेवाड़ी, डापोड़ी, बोपोड़ी, फिर खड़की, और उसके बाद रेंज हिल्स. और ये रेंज हिल्स पे मेट्रो का डेपो भी है
और उधर से मेट्रो एलिवेटेड सेक्शन से अंडरग्राउंड सेक्शन में इंटर करती है, और इधर से मेट्रो अंडरग्राउंड है। फिर ये ब्लू लाइन अंडरग्राउंड स्टेशन से इसके स्टेशन से की है, पहला शिवाजी नगर, फिर ये ASI जो है वो सिविल कोर्ट, उसके बाद आता है बुधवार पेट या कस्बा पेट, फिर मंडई और लास्ट में स्वारगेट। ये स्वारगेट पे बड़ा मल्टी मॉडल हब रहेगा 25 to 30 फ्लोर्स का, इसमें PM, PML, पुणे मेट्रो, ST सभी रहेंगे। फिर उसके बाद लाइन 2 की तरफ जाते हैं हम, ये पूरी ग्रीन लाइन है। ये देखिए इसको वनास डेपो इधर ही है, वनास के पास पहला स्टेशन है वनास, फिर सेकेंड आनंद नगर, आइडियल कॉलोनी, नल स्टॉप, फिर गरवारे कॉलेज। फिर गरवारे कॉलेज से ये राइट टर्न लेकर रिवर बेड में जाती है, और उधर डेक्कन बस स्टैंड के पीछे डेक्कन मेट्रो स्टेशन, फिर संभाजी पार्क के पीछे संभाजी मेट्रो स्टेशन, फिर ये रिवर बेड से वापस रोड मीडियन पर आती है और PMC मेट्रो स्टेशन, मतलब पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का स्टेशन है। उसके बाद सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अभी ये सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड भी है, अंडरग्राउंड भी है, और लाइन 3 भी इधर ही इंटरसेक्ट करती है, तो ये मेट्रो का हब रहेगा। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो मंगलवार पेट मेट्रो स्टेशन, मतलब RTO मेट्रो स्टेशन। फिर राजा माधुर मिल रोड से आगे जाएंगे तो पुणे रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन सीधा, फिर रूबी हॉल क्लिनिक, फिर बन गार्डन, फिर वापस रिवर में से पास होकर फिर येरवडा मेट्रो स्टेशन, फिर येरवडा गुंजन टॉकीज से चौक से राइट लेकर थोड़ा वापस रिवर में जाकर सलीम अली बर्ड सेंचुरी से कल्याणी नगर में एंट्री करेगी मेट्रो, और कल्याणी नगर मेट्रो स्टेशन आएगा। फिर उधर से कल्याणी नगर से ट्रम्प टावर से आगे जाकर रामवाड़ी सबवे जो आता है उधर से राइट लेकर रामवाड़ी मेट्रो स्टेशन आएगा। ये जो है 2 लाइंस वो महाराष्ट्र मेट्रो एग्जीक्यूट कर रही है, और इनका काम बहुत ही अच्छा शुरू है अभी। अब ये देखिए दोस्तों, ये पुणे मेट्रो का लाइन 3 का मैप है, ये PMRDA एग्जीक्यूट कर रही है, और इसके स्टेशन देखिए सिविल कोर्ट, शिवाजी नगर, एग्रीकल्चरल कॉलेज, RBI बिल्डिंग, पुणे यूनिवर्सिटी, सकाल नगर, कृषि अनुसंधान, बानेर, फिर उसके बाद बानेर गांव, बालेवाड़ी फाटा, लक्ष्मी नगर, रामनगर, NICMAR, फिर उसके बाद आगे मेन स्टेशन आता है बालेवाड़ी स्टेडियम, फिर उसके और आगे जाएंगे तो वाकड़ चौक, फिर हिंजावाड़ी, उसके बाद शिवाजी चौक, फिर पॉल इंडिया, फिर विप्रो टेक्नोलॉजीज फेज 2, मतलब हिंजावाड़ी फेज 2, फिर इन्फोसिस फेज 2, फिर डोहलेर, फिर क्वाड्रन और मेगापोलिस सर्कल, मतलब हिंजावाड़ी फेज 3। अभी ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा मैप है, ये बहुत ही लंबा रूट है, 23 किलोमीटर्स कुछ तो भी है, उसका डिस्टेंस अभी बताता हूँ मैं आपको। और इसका काम अभी तक शुरू तो नहीं हुआ है, सारी सॉइल टेस्टिंग शुरू है हिंजावाड़ी में। सो जो प्रायोरिटी सेक्शन है इसके लिए वो मेगापोलिस सर्कल से लेके बालेवाड़ी स्टेडियम तक है पहले, फेज 1 में, फिर फेज 2 में बाकी का लिया जाएगा NICMAR से सिविल कोर्ट तलक। सो देखते हैं कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है आगे। और अब ये देखिए, ये पुणे मेट्रो के लाइंस का कितना डिस्टेंस, कितना किलोमीटर्स है उसके बारे में बता रहा है। ये पहली जो लाइन है PCMC भवन टू स्वारगेट, उसे पर्पल लाइन कहा जाएगा, और इसका जो लेंथ है किलोमीटर्स में वो 16.59 किलोमीटर्स है, और 14 स्टेशन है एंड इम्प्लीमेंटेड बाय महा मेट्रो। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन आती है एक्वा लाइन, वो है वनास से रामवाड़ी, उसका जो लेंथ है वो 16.6 किलोमीटर्स है और 16 स्टेशन है इन टोटल। और उसके बाद आती है लाइन 3, उसको कोई नाम नहीं दिया गया अभी तक, वो है सिविल कोर्ट पुणे टू हिंजावाड़ी, उसका जो लेंथ है वो 23.33 किलोमीटर्स है और स्टेशन है 23 एंड इम्प्लीमेंटेड बाय PMRDA। सो टोटल लेंथ बात करें तो 54.58 किलोमीटर्स है फेज 1 में, और टोटल स्टेशंस की बात करें तो 53 स्टेशंस है फेज 1 में, और लाइन 3 को कोई नाम नहीं दिया गया अभी तक। और ओपनिंग डेट्स देखें तो महा मेट्रो के लाइंस का 2021 है, और PMRDA की लाइन का मार्च 2023 है, पर देखते हैं तब तक भी ख़त्म होता है बिकॉज कंस्ट्रक्शन हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि पुणे मेट्रो का टोटल कॉस्ट कितना है। अभी PMRDA के लाइंस को एक्सक्लूड करके पुणे मेट्रो का टोटल कॉस्ट है 11,422 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 11,422 करोड़। इसमें से 50% सेंट्रल स्टेट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से देंगे, और 50% लोन से आएगा, मतलब 6,325 करोड़ लोन से आ रहा है। सो ये लोन्स यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और AFD से लिए जा रहे हैं,
और इसका फाइनेंशियल क्लोजर मोस्टली हो चुका है मेरे हिसाब से। अब देखा जाए तो पुणे मेट्रो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, बिकॉज एक्चुअली इसका जो पुणे मेट्रो का प्रपोजल आया था वो 2007 में ही आ चुका था, विलासराव देशमुख जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के 2007 में, उन्होंने पुणे मेट्रो को प्रपोज किया था, पर वो बहुत सारा डिले होते गया बिकॉज ऑफ सम अलाइनमेंट इश्यूज। देन पुणे मेट्रो अंडरग्राउंड ही रहनी चाहिए या एलिवेटेड ही रहनी चाहिए या मिक्स मेट्रो रहना चाहिए, इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। सो 2012 में तो डीपीआर बना, फिर उसके बाद भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, पुणे मेट्रो पर निगलेक्ट ही किया, लिटरली मैं बोलता हूँ निगलेक्ट किया। फिर उसके बाद 2016 में हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने मेट्रो को प्रायोरिटी दी, पुणे के मेट्रो को प्रायोरिटी दी और पुणे मेट्रो का काम आखिरकार मई 2017 में शुरू हुआ और इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो 24 दिसंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया और पुणे मेट्रो का काम आखिरकार शुरू हो गया 2017 में। ये बहुत ही अच्छी बात है और महाराष्ट्र मेट्रो के MD जो है डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित, उनके गाइडेंस के अंदर ही पुणे मेट्रो का काम इतना फास्ट और इतना अच्छे से हो रहा है। अभी पुणे में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है पर देन ऑल्सो टुडेज पेन टुमारोज गेन, इट्स लाइक दैट। और फिर दूसरी बात करें तो पुणे मेट्रो का काम तो शुरू हो गया पर इसके अलाइनमेंट के कुछ इश्यूज आने लगे, जैसे कि फर्स्ट इशू ये आया नासिक फाटा के पास कासरवाड़ी। अभी उधर देखा जाए तो PCMC पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक कुछ सालों पहले JRT टाटा फ्लाईओवर बनाया था, ये मल्टी लेवल फ्लाईओवर था वो बनाया था उधर, और मेट्रो का जो ओरिजिनल प्लान था वो फ्लाईओवर बनने से पहले ही हो चुका था सैंक्शन, और उसके हिसाब से मेट्रो को एक्चुअली सेंटर में से जाना था मीडियन रोड मीडियन से, पर वो फ्लाईओवर अभी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था मेट्रो को। सो महाराष्ट्र मेट्रो ने क्या किया कि मेट्रो को थोड़ा कॉर्नर में ले आया, उधर से टर्निंग दिया नासिक फाटा पे और मेट्रो कॉर्नर से जाएगी आगे और कासरवाड़ी के बाद वापस रोड मीडियन पे आ जाएगी। तो ये अच्छा सॉल्यूशन निकाला महाराष्ट्र मेट्रो ने, उसका नासिक फाटा पे काम भी शुरू हो चुका है और अभी मुझे लगता है ब्रिज का काम भी शुरू होएगा थोड़े दिन में उधर। सो दूसरी बात करें अलाइनमेंट इशू, तो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन डाला था कि पुणे मेट्रो के रीच टू में जो रिवर बेड सेक्शन है उधर से मेट्रो को नहीं जाना चाहिए, बल्कि मेट्रो को जंगली महाराज रोड से जाना चाहिए जो रिवर बेड के पास में ही है। बट जंगली महाराज रोड से अगर मेट्रो जाएगी तो जंगली महाराज रोड ही नहीं रहेगा, बिकॉज मेट्रो विल ऑब्स्ट्रक्ट द होल रोड एंड इट इज़ अ वन वे रोड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा उधर, सो और ट्रैफिक इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो पुणे मेट्रो ने क्या बोला कि रिवर बेड सेक्शन में से मेट्रो को लेके जाएगी, पर NGT ने क्या ऑब्जेक्शन डाला कि पुणे मेट्रो अगर उधर से रिवर बेड से जाती है तो बहुत सारा उधर इकोलॉजी हर्ट हो जाएगा या फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बहुत सारे ट्रीज भी कट हो जाएंगे। पर अभी हम अगर देखें तो वो उसके ऊपर केस भी हुआ और हाई कोर्ट में गया वो केस, पर मेट्रो फॉर्चुनेटली जीत गई वो केस और मेट्रो का काम रिवर बेड सेक्शन में भी शुरू हो गया। और अभी देखा जाए तो पिलर्स को ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं कर रही इकोलॉजी को, एंड देन वैसे भी हमारी मूला मुठा रिवर इतनी कुछ क्लीन नहीं है कि उधर इतना फ्लोरा एंड फौना एंड ऑल दैट थिंग्स वर टॉकिंग अबाउट इज देयर, बहुत ही गंदा है वैसे भी। सो मेट्रो आने से थोड़ा ब्यूटीफाई तो हो जाएगा एटलीस्ट, एंड रिवर बेड सेक्शन पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती थी अपने रैलीज के लिए इसके लिए उसके लिए, पर अभी मेट्रो के लिए यूज़ हो रहा है एंड इट इज़ अ बेनिफिशियल एंड यूजफुल थिंग। सो ये था अलाइनमेंट इशूज़। और तीसरा भी एक अलाइनमेंट इशू था अभी जो रिसेंटली हुआ, पुणे मेट्रो के रीच थ्री सेक्शन में, मतलब जो येरवडा साइड आता है उधर मेट्रो आगा खान पैलेस के सामने रोड मीडियन के ऊपर से जा रही थी, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ तो भी एक्ट है जिससे मेट्रो कोई भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट रहेगा उससे 100 मीटर्स के अंदर से नहीं गुजर सकती, उसको 100 मीटर्स के बाहर ही रहना पड़ेगा। सो ये अपना नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी मतलब NMA, उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला वापस हाई कोर्ट में कि मेट्रो इधर से नहीं जा सकती है और उसके लिए मेट्रो को फिर डाइवर्ट करना पड़ा और कलिनी नगर के अंदर से लेना पड़ा, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ गया और डिस्टेंस भी बढ़ गया 1 से 2 किलोमीटर से। सो ये कलिनी नगर के रेजिडेंट्स ने बहुत ज़्यादा अपोज किया, उन्होंने भी एक केस डाला मेट्रो के खिलाफ कि ये लोग इधर से ले रहे हैं लाइन को और अभी इनको मेन नगर से ही लेना चाहिए, पर फिर कोर्ट ने बोला कि वो लॉ की वजह से
ये नहीं हो सकता। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये इशू को एड्रेस किया था, और वो हर 2-3 महीने में एक मीटिंग लेते हैं, नेमली प्रगति मीटिंग। उसमें सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का वो रिव्यू करते हैं, और इसमें ये इशू भी आया था, पर उन्होंने भी बोला कि ये लॉ है करके हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए वो कलोनी नगर से अंदर से ही जा रही है अभी, और उसका काम शुरू हो गया है। और अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने कुछ स्टे ऑर्डर दिया था कलोनी नगर मेट्रो वर्क पर। और बोलना चाहता हूँ मैं कि वो स्टे ऑर्डर अभी लिफ्ट हो गया है, और मेट्रो का काम फुल फ्लेज्ड कलोनी नगर में शुरू हो चुका है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। सो ये थे कुछ इश्यूज मेट्रो के बारे में। अब हम पुणे मेट्रो के फेज के बारे में कुछ बात करते हैं। ये 2020 और 21 में 0 to 2 kilometers के लिए 10 rupees रहेंगे, फिर 2 to 4 kilometers के लिए 20 rupees, 4 to 12 kilometers के लिए 30 rupees, एंड देन 12 to 18 kilometers के लिए 40 rupees, एंड इफ़ द डिस्टेंस इज मोर देन 18 kilometers देन 50 rupees। और ये जो फेज स्ट्रक्चर था वो DMRC ने सजेस्ट किया था DPR में महाराष्ट्र मेट्रो के लिए। अब हम पुणे मेट्रो के कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में कुछ बात करते हैं। ये देखिए लाइन 1 जो PCMC टू स्वारगेट है, उसका NCC कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लिया है। और लाइन 2 जो वनास रामवाड़ी है, उसका भी NCC ने ही टेंडर विन किया है। फिर लाइन 3 जो सिविल कोर्ट से रामवाड़ी है, उसका जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। लाइन 4 दैट इज़ अंडरग्राउंड सेक्शन, टाटा प्रोजेक्ट्स गुलेरमार्ग JV। फिर लाइन 1, 2, 3 स्टेशंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शाहपुरजी पैलेजी कंपनी एफकॉन्स JV ने किया है। ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 जो है वो रीच 1, रीच 2, रीच 3 है एक्चुअली, सो डोंट मिस्टेक दैट। और ये कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है थोड़ी। अब हम पुणे मेट्रो के कुछ फ्यूचर एक्सटेंशंस के बारे में बात करते हैं। अभी देखा जाए तो लाइन 1 में ही 3-3 एक्सटेंशंस है। जैसे कि पहला एक्सटेंशन आता है तो PCMC से लेकर निगड़ी तलक या भक्ति शक्ति, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, बिकॉज अगर ये एक्सटेंशन अप्रूव हो जाता है और इसका काम शुरू होता है फेज 2 में पुणे मेट्रो के, सो फिर इंपॉर्टेंट एरियाज लाइक चिंचवड़ रहेगा, अकुड़ी रहेगा और निगड़ी, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट एरियाज है, और बहुत सारा राइडरशिप आ जाएगा पुणे मेट्रो को उसकी मदद से। और फिर दूसरी बात करें, दूसरा जो एक्सटेंशन है यही लाइन में, वो है नासिक फाटा पे, नासिक फाटा से चाकण। अभी ये महामेट्रो बोल रही है कि इसको मेट्रो लाइट सर्विस या मेट्रो नियो सर्विस करेंगे, वो बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है, और ये मोस्टली सरफेस मेट्रो रहती है। ये आपको गूगल पे आप फाइंड आउट कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या है ये। और फिर तीसरी बात करें तो तीसरा जो एक्सटेंशन है यही लाइन में, वो आता है स्वारगेट पर। अभी स्वारगेट से लेकर कात्रज चलक का एक्सटेंशन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कात्रज में बहुत सारा राइडरशिप मिलेगा महामेट्रो को। सो मेजरली एक्चुअली बात करें तो लाइन 1 का जो एक्सटेंशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और होना ही चाहिए। फिर लाइन 2 की बात करें तो वनास से रामवाड़ी, उसका भी एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। वो वनास जो कोथरूड में आता है, उधर से चांदनी चौक या शिव सृष्टि प्रोजेक्ट जो जिधर वो साइड पे आने वाला है उधर तक रहेगा मेट्रो। और शिव और जो चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन रहेगा वो शिव सृष्टि के नाम पर ही आएगा, सो उधर तक एक्सटेंशन है। और फिर रामवाड़ी की बात करें तो रामवाड़ी से वागोली तक भी एक्सटेंशन की बात चल रही है अभी। और फिर रीच 4 का अभी तक एक्सटेंशन की बात कुछ आई नहीं है, सो देखते हैं अभी। सो अभी मुझे आपको ये सब फ्यूचर एक्सटेंशंस के बारे में बता दिया मैंने, और अब मैं आपको कुछ पुणे मेट्रो के इम्पोर्टेंट अपडेट्स बताना चाहूँगा या देना चाहूँगा। अभी पुणे मेट्रो लाइन 1, उसमें संत टुकाराम नगर मेट्रो स्टेशन है जो पुणे मेट्रो का पहला स्टेशन है रेडी होने को, ये इस ईयर के एंडिंग में, नहीं तो नेक्स्ट अर्ली जनवरी में रेडी हो जाएगा। उसका 50% एंड अबव काम हो चुका है अभी तक। और दूसरा बात करें यही लाइन में तो ओवरहेड केबल्स का काम भी अच्छे से चल रहा है, और इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को अभी बढ़ावा दिया जा रहा है, और ट्रैक का पूरा 11.4 kilometers तक ट्रैक लेइंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन रीच 1। और फिर रीच 2 की बात कर रहे हैं, जो वनास रामवाड़ी का बात कर रहे हैं हम लोग, तो वनास सिविल कोर्ट की बात करें तो उधर नल स्टॉप के पास डबल डेकर फ्लाईओवर है, और उसका काम भी शुरू हो चुका है, उसके लिए अभी स्लैब्स का काम शुरू है। और फिर उसके आगे जाए तो आनंद नगर मेट्रो स्टेशन का काम भी अच्छे से शुरू है अभी। फिर रीच 3 की बात करें, मतलब सिविल कोर्ट से रामवाड़ी, सो उधर भी अभी स्पैन इरेक्शन का काम अच्छे से शुरू है, और पुणे स्टेशन मेट्रो स्टेशन का काम अभी शुरू हो रहा है।
ये लास्ट ईयर ही इसका काम शुरू हुआ था। फिर REACH 4 की बात करें तो इम्पोर्टेंट अपडेट इधर ये है कि टनल बोरिंग मशीन्स पुणे में आखिरकार आ चुके हैं और इसका टनलिंग का काम दिसंबर एंडिंग तक शुरू हो सकता है अभी। सो ये बहुत ही अच्छा है। और ये जो टनल बोरिंग मशीन है ये पार्ट्स में चाइना से आया है और ये मुंबई पोर्ट पे आया था, उसके बाद पुणे में ट्रेलर्स बाय रोड एक्सप्रेसवे से आया है। सो अभी वो पार्ट्स में आ रहा है और उसको एग्रीकल्चर कॉलेज ग्राउंड पे असेंबल किया जा रहा है। और उधर महा मेट्रो ने एक शाफ्ट बनाया है ये TBMs को लोअर करने के लिए और टनलिंग चालू करने के लिए। सो मैंने अभी पुणे मेट्रो के बारे में आपको सब इन्फॉर्मेशन बता दी है और अभी कुछ बचा नहीं है बोलने को। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।